आज के ब्लॉग की शुरुआत इन प्यारे प्यारे फ्लावर से करते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितने सुंदर फ्लावर हैं। ये कंटेनर में एक कोने में है छोटा सा। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष डोगरा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों कितने अच्छे हैं। और ये देखिए, आज मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ जो फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ उसका कमाल। देखिए कितनी सारी फ्रूटिंग हो रखी है, गिनिए ज़रा, गिनती कीजिए कितने बैगन लगे हुए हैं। एक प्लांट पूरा झुक गया है नीचे। ये दोस्तों केयर अच्छी हो तो देखिए, उसमें प्लांटर में भी कितना अच्छा हो गया है ना छोटे। तो गमले में लगाइए आप लोग भी। देखिए गमले में भी कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। ये ग्रो बैग है, मैंने ग्रो बैग में लगाया हुआ है। देखिए बहुत सारे लगे हुए हैं बैगन, बहुत सारे। ये एक ही प्लांट है, तो देखिए कितने सारे बैगन लगे हुए हैं। पूरा झुक गया है प्लांट, जो है झुक गया है। देखिए ये, देखिए ये दूसरा वाला प्लांट, ये भी दिखाती हूँ। ये दूसरी साइड लगाया हुआ है, ये मैंने पेंट की बाल्टी में लगाया हुआ है। देखिए इसमें भी कितनी अच्छी फ्रूटिंग आई हुई है। लंबे वाले बैंगन है ये। देखिए अब दोस्तों मैं आप लोगों को कश्मीरी बैंगन भी दिखाती हूँ। ये देखिए पर्पल पर्पल कलर के। पहले भी मैंने दो बार हार्वेस्टिंग कर ली है। ये देखिए आज फिर हार्वेस्ट करूँगी। ये पर्पल वाले बैंगन है जो, ये देखिए कर ली हार्वेस्ट। अब ये तोरियां हैं, तोरियों की हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग बड़ी मज़बूत डंडी है इसकी और भी लगी दो कलर की हैं ये, एक लाइट ग्रीन है एक डार्क ग्रीन है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इधर भी, इतना ज़्यादा भी फल नहीं लग रहा है और कम भी नहीं है। हमारे लिए निकल ही आती है तीसरे चौथे दिन सब्जी। ये देखिए लाइट और डार्क ग्रीन। एक ऊपर है, ये देखिए बड़ी बड़ी ज्यादा ऊपर। चलिए अभी थोड़ी भिंडी है, ये भी ले लेते हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। ये कल परसों उतारी थी मैंने, तो देखिए एक दिन में ही कितनी ग्रोथ इसकी हो गई है।
नीचे से कितनी ग्रोथ हो रही है प्लांट की, कितनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। ये देखिए, ये कंटेनर में, ये मैंने चीकू का प्लांट लगाया, उसी में भिंडी के भी हैं दो। देखिए इसमें भी कितनी सारी निकल आई है भिंडी। जहाँ भी खाली जगह मिलती है मैं लगा देती हूँ पौधा कोई ना कोई। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा ही सब्जियाँ लगानी है, जहाँ जगह हमारे पास हो तो उसी में लगाएं। थोड़ी जगह में भी क्रेट रख के, क्रेट मिलते हैं जो सब्जी वाले, तो उसमें भी बड़ी अच्छी सब्जी हो जाती है, उसमें भी लगा सकते हैं। 50 रुपये का क्रेट मिलता है, ना तो वो कभी टूटता है ना कुछ, धूप में सर्दी में कभी वो ख़राब नहीं होता, तो उसमें भी बड़ी अच्छी सब्जी हो जाती है, तो आप लोग भी ज़रूर लगाएं। शुरुआत जैसे पालक है, धनिया है, पत्ते वाली कोई भी सब्जी लगा सकते हैं। ये देखिए ब्रॉड बीन, बीन्स, ये भी पहली हार्वेस्टिंग है इस सीज़न की। प्लांट तो ये पिछले साल का है, लेकिन इस बार की ये पहली फ्रूटिंग है इसकी। फ्लावरिंग तो बहुत हो रखी है इस पे। ये मैंने बांध दिया था कल, बहुत उधर उधर बहुत बिखर गया था इसकी ब्रांचें जो है सारी उधर उधर, तो ये देखिए मैंने बांध दिया इसको थोड़ा इकट्ठा करके, क्योंकि ये इधर रास्ते में रखा हुआ है तो आते जाते इसके फ्लावर जो है गिरते हैं। देखिए इसकी कितनी सारी निकल आई इसे, ये बहुत ऊपर तक गया हुआ प्लांट। ये देखिए ऊपर भी लगी हुई है, वो मैं हार्वेस्ट करके फिर बाद में दिखाती हूँ। ये देखिए कश्मीरी बैंगन, ये भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ।